प्रेसिडेंट बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ रहे थे, स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे और इक्विपमेंट्स जो स्टरलाइजेशन में यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें एक ये महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है विच इज कॉल्ड लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर। लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर हिंदी में भी इसको लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर कहा जाता है। इसको एक टिश्यू कल्चर करते समय एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक्सप्लांट को ग्रोथ मीडियम पे ट्रांसफर किया जाता है। ग्रोथ मीडियम के बाद में एक ग्रोथ मीडियम के बाद दूसरे ग्रोथ मीडियम पे यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है ना, इसका लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर इसका नाम है। एक्चुअली ये होता है कि ये उस रूम में रहता है जहाँ टिश्यू कल्चर किया जाना होता है। तो इसमें वर्क करने से पहले यहाँ पे यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसको थोड़ा सा चला दिया जाता है जिससे इसमें इससे रिलेटेड जो भी कंटेमिनेशन होता है वो फ्री हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज जब गिरती है तो माइक्रोब्स या जो भी बैक्टीरिया या फंगल पार्टिकल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक बर्नर लगा रहता है और कुछ इसमें जैसे ग्लासवेयर्स वगैरह पड़े रहते हैं। तो इसमें यहाँ पे रख करके ये प्लेटफॉर्म में यहाँ पे चेयर लग जाएगी, स्टूल लग जाएगी, वर्किंग सरफेस है ये, एसेप्टिक कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रख करके अपना ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें दो तरह के फिल्टर लगे रहते हैं, एक तो यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट जिसकी ये बल्ब है, ये लाइट का है और ये एयर फ्लो का, और इसके ऊपर हेपा फिल्टर लगा रहता है। हेपा फिल्टर एक स्पेशल फिल्टर है, HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर फिल्टर, जो जिसके लिए इसमें ऊपर लग रहा था जिसमें पार्टिकुलेटेड फॉर्म में मीन्स बहुत हाई एफिशिएंसी ज़्यादा एफिशिएंसी में ज़्यादा तीव्रता के साथ पार्टिकल के फॉर्म में कण कण के रूप में या बंडल्स के फॉर्म में एयर आती है और वो एयर भी इनको फिल्टर करती है। प्री फिल्टर ये जैसे ये लगे रहते हैं इनको फिल्टर करके अंदर एंटर होती है, इसलिए उस एयर के थ्रू भी किसी तरह का कंटेमिनेशन से बचा जा सकता है। इसके अंदर ऊपर स्प्रिट लैम्प लगा रहता है, स्प्रिट लैम्प को जला करके जैसे नेक्स्ट उसमें स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको, नीडल होती है जिसको जिसके ऊपर लूप बना रहता है, उसकी सहायता से एक्सप्लांट को ग्रोथ मीडियम पे, ग्रोथ मीडियम से दूसरे ग्रोथ मीडियम पे, पेटी प्लेट से कॉनिक प्लेट, कॉनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, इस पर लिखना है आप लोगों को, क्वेश्चन भी आता है इस पर डायग्राम। लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर इसका नाम, लेमिनार एयर फ्लो होटी या लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर इसमें ये कहलाएगा, है ना। जस्ट लाइक उसमें यही बता रहे, ये बर्नर होता है, इस बर्नर स्प्रिट लैम्प होता है, स्प्रिट लैम्प पे ये जैसे जो भी इक्विपमेंट जिनसे टिश्यू कल्चर करना होता है उनको हीट पे रखते हैं ताकि और भी कोई कंटामिनेशन हो तो उससे कंटामिनेशन से फ्री किया हो। जैसे ये लूप है ये और इसको इसके नीडल में लगाया जाता है इससे, जस्ट लाइक जस्ट जैसे बर्नर चल गया, बर्नर जलने के बाद में के ऊपर नीडल लिया, नीडल से टिश्यू ये जैसे ये इसमें ये क्या टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ग्रोथ मीडियम भरा हुआ है। तो इसको बिल्कुल पास रख करके इसको यहाँ ला करके इस फ्लेम के ऊपर ही ट्रांसफर किया जाएगा। जस्ट लाइक ये जैसे इसको जला इसमें से लेकर के इसमें भी पेटी प्लेट में ट्रांसफर किया जा सकता है, इससे इनमें भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इनमें भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जो भी है स्टेजेस ये करने से पहले बर्नर पे इसको रखना पड़ेगा और इसी से हो जाएगा। ये सेलेक्टेड टिश्यू फ्रॉम एक्सप्लांट, ये एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट से कोई भी टिश्यू लेने लगा करके उसको ग्रोथ के लिए रखा जाता है ना। तो ये जस्ट लाइक ये देखिए, इनको PDA कहा जाता है, ये ग्रोथ मीडियम है सबसे पहले, इसके ऊपर उससे ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करने के बाद में इस तरह से इनकी
ग्रोथ होती है। एक और बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे स्लांट जो ये इसमें टेस्ट ट्यूब में भरा जाएगा उसको स्लांट बोलेंगे। ब्रोथ ये लिक्विड ग्रोथ मीडियम होता है, जो सॉलिड मीडियम होता है, जो अगर डीप, और इसी तरह से ये हो गया, और ब्रोथ हो गया ना, ये स्लांट हो गया। इस तरह से जो प्लेन रहेगा वो इज कॉल्ड ब्रोथ, लिक्विड रहेगा ये, इस तरह से इस फॉर्म में रहेगा क्योंकि सॉलिड रहेगा, तो स्लांट हो गया है ना, स्लांट इस फॉर्म में भी होता है। और अगर डीप ट्यूब है ना पूरी, उससे अगर अगर सूखा, इसी तरह से अगर प्लेट पैटी प्लेट जो होती है वो कहलाती है। स्वार्मिंग ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट आधार, ये जैसे न्यूट्रिएंट आधार का आपने नीडल की हेल्प से एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट में इस तरह से ग्रोथ यहाँ से लिया तो यहाँ तक ये ग्रोथ चारों तरफ बढ़ती जाती है। इस ग्रोथ को कॉलोनी मीटर पे रख करके हम काउंट कर सकते हैं, इनकी कॉलोनी काउंट किया जा सकता है और इनकी ग्रोथ को देखा जा सकता है। जस्ट लाइक दिस इज न्यूट्रिएंट आधार है ना, तीन फॉर्म होगी, न्यूट्रिएंट आधार, पीडीए और ग्रोथ मीडिया, मीडिया है ना, या आप पीडीए भी होता है और रेटोडेक्सट्रॉल आधार भी इसमें होता है। इस तरह से इसको रखने के बाद इसकी कॉलोनी के लिए डेवलपमेंट हुआ, ये जैसे ये कंडे के लिए है तो ये अंगल डेवलपमेंट इन पे हुआ। तो इस तरह से एक्सप्लान स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड को हमने किया। नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ मीडिया, संवर्धन माध्यम को बनाना और उसकी विभिन्न विधियां, कौन कौन से किसी प्रकार के संवर्धन माध्यम होते हैं, उनकी विभिन्न विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी स्टरलाइजेशन का टॉपिक खत्म हुआ। ओके, थैंक्स टू ऑल।